हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा अपडेट, भर भर के अपडेट लेके आए हैं, भर भर के आपके लिए मसाला लेके आए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आगे और भी धमाकेदार और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट निकल के आती है किंगो को लेकर, जो कि अंडरग्राउंड म्यूजिक में अपना काफी नाम बना चुके हैं, और अमित बढ़ाना जिसको सब कोई जानता है, वर्ल्ड वाइड में सब कोई जानता है। तो इन दोनों का गाना आ रहा है, जी हाँ, अमित बढ़ाना और आई फील किंग, इन दोनों का गाना आ रहा है। इसके अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करा है। गाने का नाम है फादर साहब और ये गाना 25 तारीख को इसी मंथ आ रहा है, यानी कि 25 तारीख को जुलाई को ये गाना आने वाला है और ये गाना अमित बढ़ाना के चैनल पर आने वाला है। तो आप इस गाने के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगली अपडेट निकल के आती है एमवीवे बंटाई और कृष्णा को लेकर, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ चुकी है। कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि जो एमवीवे और कृष्णा पहले साथ थे और इन लोगों ने एक कोलैबोरेशन करी होगी जो कि एमवीवे के चैनल पे पड़ी थी। कहने का मतलब यहाँ पे कि एक गाना था मुंबई टू दिल्ली जो कि एमवीवे के चैनल पे पड़ा हुआ था, काफ़ी पुराना गाना था, वो अब एमवीवे ने अपने चैनल से डिलीट कर दिया और ये डिलीट अभी 3-4 दिन पहले ही करा है। तो ये हर जगह खबर फैल चुकी है एमवीवे ने ऐसा क्यों करा। इसका मुझे ऐसा कारण लगता है क्योंकि अब कृष्णा वो रफ्तार के अंडर साइन है और एमवीवे की और रफ्तार की काफ़ी पहले से ही लड़ाई आपको तो पता था, जो कि पूरे भारत भर में फैल चुकी थी, इतना ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एमवीवे ने मुंबई टू दिल्ली जो गाना था कृष्णा के साथ वो डिलीट कर दिया अपने चैनल से, और अब मेरा यहाँ पे ये है कि अब कृष्णा इसका जवाब देंगे या नहीं, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कृष्णा यहाँ पे कोई इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एमवीवे का चैनल है, एमवीवे के राइट्स पे वो गाना ही पड़ा था। तो वो उसको डिलीट करें, उसको प्राइवेट करें, कुछ भी करें, उसमें अब कृष्णा का कोई जवाब दे नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अब कृष्णा का कोई भी इसमें स्टैंड लेना मूर्खता ही होगी। और अगली अपडेट निकल के आती है एमवीवे से ही, उनका गाना आ रहा है 17 तारीख को जवाब दे, जो कि गाने के टाइटल से पता चल रहा है कि मतलब फिर से कुछ मतलब कंट्रोवर्शियल गाना होने वाला है। वो अपने जितने भी अभी तक उनके गाने हैं, जितने भी हिप हॉप टाइप थे, वो जितने भी गाने हैं वो सब उन्होंने एक डिश ट्रैक ही टाइप निकाले थे, ये भी वैसे ही लग रहा है, जवाब दे टाइटल से ही पता चल रहा है। तो हो सकता हो ये कृष्णा और रफ्तार से रिलेटेड गाना हो, कुछ इन्हीं दोनों पे कुछ फिर से तीखे बोल आपको सुनने को मिले। तो जल्दी से आप अपना कमेंट डालिए और बताइए कि आप इस गाने के लिए कितना एक्साइटेड हैं एमवीवे के न्यू सॉन्ग को लेकर जवाब देखो, जो कि 17 तारीख को आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को कर लिए सब्सक्राइब ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और सबसे पहले पाने के लिए, और इस वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू।